दोस्तों आज मैं जा रही हूँ, मेरी SFI की क्लासेस हैं और मैंने सोचा पैदल ही चली चलती हूँ, तो देखते हैं कितना बढ़िया सा नज़ारा है यहाँ पे है। मैं आपको भी दिखाऊंगी साथ में, तो बने रहिए मेरे चैनल में। एक्चुअली ना बहुत फ्रेश सी एयर आ रही है और थोड़ा सा आपको मेरे सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि बड़ा, और ये देखिए मेरे पीछे कितने बड़े से पहाड़ दिख रहे हैं आपको। एक्चुअली ना बहुत दिन के बाद आए तो मुझे लग रहा है मैं कुछ रास्ता भूल गई, तो मुझे इस रोड पे जाना था कि इस रोड पे मैं भूल गई हूँ, तो चलिए इस रोड पे चलते हैं। मुझे लग रहा है शायद यही वाला सामने बिल्डिंग भी दिख रही है, तो मैं सीरियसली भूल गई हूँ कि मुझे किधर जाना था, लेकिन चलो यही रास्ता मिल गया है, चलते हैं। सही रास्ते पे पहुंच गई हूँ फिलहाल और मैं सड़क क्रॉस करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे गाड़ियाँ रुक जाती हैं सड़क क्रॉस करते वक्त। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब ट्रैफिक रूल है, तो स्वीडन का एक ट्रैफिक रूल है कि आपको यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, गाड़ियाँ अपने आप रुक जाती हैं और आपको सड़क क्रॉस करने में आसानी हो जाती है। तो जब मैं पहले पहले आई थी तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि पहले मैं जाऊँगी कि गाड़ियाँ जाएंगी, तो ऐसा क्लियर हो गया है कि पहले गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, हमें जाना है। और ये है साइकिल और पैदल चलने वाले का अलग अलग निशान दे के रखे हैं, और उस रूट को आप फॉलो करिए क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, आराम से आपको आसानी रहेगी। और साथ ही अगर आप स्वीडन आने का प्लान कर रहे हैं या फिर हैं आप स्वीडन में, तो SFI को ज़रूर से ज्वाइन करिए। स्वीडिश लैंग्वेज कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है और आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है। यहाँ पे आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है इसको ज्वाइन करने के लिए। तो हम आ गए हैं लगभग अपने मंजिल के करीब और मुझे 15-20 मिनट लगे हैं आने में। 3 किलोमीटर था ये मेरे घर से और मैं 5 मिनट पहले पहुंच गई। मैं 12:09 पे चली थी और 12:23 पे मैं पहुंच गई हूँ। तो आप ये देख सकते हैं रास्ता जाता है, और अभी मैं आपको बिल्डिंग दिखाती हूँ। ये है गोथेनबर्ग के मोइंडाल का SFI सेंटर, और मैं जल्दी से दरवाज़ा पकड़ लूँ नहीं तो बंद हो जाएगा। और ये हम आ गए हैं अंदर, और मैं सारा का सारा एरिया नहीं दिखा पाऊँगी, पता नहीं कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कर दे, तो मैं अभी लिफ्ट से जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मेरे से मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। और आप तो लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि मैं नया से नया वीडियो पहुंचा सकूं। और ये अंदर का मैं थोड़ा सा एरिया आपको दिखा देती हूं, तो होप आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।